तो छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले की ओर रुख करते हैं, जहां छत्तीसगढ़ सरकार ने सन 2022 तक राशन के कार्डधारियों को चावल मुफ्त में देने का एक आदेश जारी किया था। लेकिन आज भी छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के अंदर राशन कार्ड धारकों को आज भी चावल की अनियमितता दिखाई दे रही है, उनसे वसूली की जा रही है। कोरिया जिले के ग्राम पंचायत डुगला के राशन दुकान विक्रेता शाम द्वारा राशन की पूरी राशि ली जा रही है, जबकि गरीबों को छत्तीसगढ़ सरकार ने मार्च 2022 तक का राशन फ्री देने का आदेश जारी किया था, फिर भी दुकानदार मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे। राशन कार्ड धारकों ने जब विरोध किया तो दुकानदार द्वारा यह कहा गया कि जहां शिकायत करना है कर लो, मेरा कुछ नहीं होगा। पता नहीं है राशन दुकानदार को किसका सह है जो छत्तीसगढ़ सरकार के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं। कौन से ग्राम पंचायत में रहते हो? राशन कितना मिलता है आपको? कितना पैसा लिया दुकानदार? 65 रुपए। दुकानदार नहीं बताया कि फ्री मिल रहा है राशन? नहीं बताया, नहीं बता, हम लोग भी खुद नहीं बता। मेरे टाइम में जहाँ तक वो कर रहा था, 1 तारीख तक वो कर रहा था, दिखा रहा था, और फिर जैसे ही मैं वो बांटना शुरू किया तो लगभग क्या बोलते हैं कि वो 30 आदमियों का पैसा मेरे द्वारा लिया गया था, लेकिन उसको क्या बोलते हैं कि टैब में दिखने के वजह से था। जैसे ही मेरे को जानकारी हुआ, मैं सर्वर से सीन किया और फिर वो जैसे ही 0 हो गया पैसा, मैं पैसा लेना बंद कर दिया। और फिर जो 30 व्यक्तियों का वो पैसा लिया हूँ, उसे मेरे द्वारा पैसा वापस किया।